ये एग्जाम्पल 14 है, बाई वॉट नंबर शुड माइनस 12 टू द पावर माइनस 1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी इक्वल टू माइनस 4 टू द पावर माइनस 1. लेट द नंबर बी एक्स, लेट माइनस 2 टू द पावर माइनस 1 बी डिवाइडेड बाई एक्स टू गेट माइनस 4 टू द पावर माइनस 1. तो उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारा सेम रहेगा. उसके बाद माइनस 12 टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 4 टू द पावर माइनस 1. इसको बाय एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे लिख सकते हैं. इम्प्लाइज माइनस 12 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय माइनस 12 टू द पावर 1 और एक्स से मतलब इंटू 1 बाय एक्स, क्योंकि एक्स बाय 1 होता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं इंटू 1 बाय एक्स कर लेते हैं इक्वल टू 1 बाय माइनस 4 टू द पावर 1. इम्प्लाइज 1 बाय माइनस 12 इंटू 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय माइनस 4, क्योंकि माइनस 12 टू द पावर 1 या माइनस 4 टू द पावर 1 का मीनिंग है वही सेम नंबर. तो माइनस 12 टू द पावर 1 माइनस 12 है और माइनस 4 टू द पावर 1 माइनस 4 है. इम्प्लाइज 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 12 को इस साइड में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 वन या 4, 4 थ्री या 12. इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस साइड में लेके जाएंगे और 3 को यहाँ पे ले आएंगे तो x इक्वल टू 1 बाई 3 जो कि हमारा आंसर है. आप इस क्वेश्चन को ऐसे दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय माइनस 12 एक्स इक्वल टू 1 बाय माइनस 4. इम्प्लाइज माइनस 4 को इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. इम्प्लाइज माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12 एक्स. इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 4, माइनस 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है ऑपोजिट साइड में आएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12. इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 बाई 3. तो ऐसे बहुत वेज में इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए.